morning, class 3. In our previous video, we read some topics in lesson 1, living and non-living things. In our previous video, we read how living things breathe, living things need food and water, living things can move. 3 topics we have completed in our previous video. And now we are going to read about living things can feel, living things grow, living things can reproduce. These 3 topics we are going to read. So open your page number 8. Open your this page number 8. Living things can feel. So living things can feel. जो भी living things होते हैं वे feel कर सकते हैं किस चीज़ों को, जो भी हमारे आसपास, हमारे वर्ल्ड में आसपास जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हें महसूस कर सकते हैं. All living things feel the changes around them through their sense organ. जितने भी living things होते हैं वर्ल्ड में, चाहे वो human beings में, animals में, plants में, ये सारे हमारे आसपास जो भी changes होते हैं उन्हें feel करते हैं, महसूस कर सकते हैं. किसके द्वारा? Sense organs जो होते हैं उनके द्वारा. And you also know very well that there are 5 sense organs in human being and animals also. Eyes, ear, nose, skin and tongue. There are 5 sense organs. For example के लिए मैं बताती हूँ. A cat can smell a mouse. जो एक बिल्ली होती है वो smell कर सकती है mouse को. The cold wind makes us shiver. जब भी ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमें ठंड लगती है. ये क्या होता है? हम फील करते हैं. इंसेक्ट्स ऑलवेज फ्लाई टुवर्ड्स द लाइट. जो भी इंसेक्ट्स होते हैं आप देखते होंगे हमेशा ये लाइट्स के ही तरफ फ्लाई करते हैं. जहां भी लाइट इन्हें मिलता है ये उस तरफ फ्लाई करते हैं. ये किसकी हेल्प से होता है? सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से. प्लांट्स सच एज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच. जो प्लांट्स होते हैं, टच मी नॉट का जो एक प्लांट होता है, पौधा होता है, ये भी बहुत ही सेंसिटिव होता है. जैसे आप इसे टच करेंगे ये अपने सारे लीव्स क्लोज कर लेगा. जब आप वहां से हाथ हटाएंगे तब ये ओपन, आफ्टर कुछ टाइम, थोड़े देर के बाद ये लीव्स को ओपन कर लेते हैं. ए प्लांट केप्ट इन द शेड विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. जब आप किसी प्लांट को शेडो में रखिए, थोड़े से जहां पे धूप नहीं पहुंचती है, कम धूप आती है, आप वहां रखिए, तो जब भी वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो आप उसका देखिएगा डायरेक्शन जो होगा ना, उसका बढ़ने का जो वे होगा वो सनलाइट के ही तरफ होगा. जिधर सूरज की रोशनी आती होगी वो पौधा उसी तरफ बढ़ेगा. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. ए टॉय विल नॉट क्राई इफ वे इवन इंसर्ट अ टिप ऑफ नूडल इनटू इट. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये फील नहीं कर सकते किसी भी चीज को. ठंडी गर्मी, ठंड हो गर्मी हो या फिर उन्हें पेन हो, ये किसी भी चीज को फील नहीं कर सकते. इवनली आप किसी टॉय को भी उठाएंगे और उसमें इंसर्ट करेंगे, पिन करेंगे, उसको पिंच करेंगे, निडल पिंच करेंगे, तो वो फील नहीं करेगा, वो क्राई नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. देयर इज ऑलवेज एन इनर कंटिन्यूअस ग्रोथ इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. एज अ रिजल्ट लिविंग थिंग्स चेंज इन शेप एंड साइज. लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये हमेशा बढ़ते रहते हैं. अंदर में जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनके अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है. धीरे 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 ग्रोथ जो है स्लोली होता रहता है इनके बॉडी में, सारे ऑर्गन्स में. और एक टाइम पे इनका शेप जो होता है चेंज हो जाता है, साइज जो होती है वो चेंज जो होती है वो दिखता है कि हाँ, अगर कोई चीज आज इतना बड़ा है तो कल वो इतना बड़ा दिखेगा. जस्ट लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अ सीड. यू सी अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग व्हिच लेटर ऑन टर्न्स इनटू अ बिग प्लांट. आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल सा ये सीड है, एक बीज है. इसके बाद ये धीरे से यहाँ पे आप देख सकते होंगे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, फिर इसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ हुआ और इसके बाद ये एक प्लांट बन गया. तो ये प्रोसेस दिख रहा है कि हाँ, लिविंग थिंग्स में धीरे धीरे ग्रोथ होता रहता है. अ किटन ग्रोज अप इनटू अ कैट. जैसे कि आप एक किटन को देखिए, बिल्ली के बच्चे को देखिए, ये बड़ा होके कैट बन जाती है.
एंड इन्फेंट ग्रोज अप इनटू अ गर्ल और बॉय एंड देन इनटू एन एडल्ट। आप देखते होंगे छोटा बेबी गर्ल हो बॉय हो, वो छोटा बेबी जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा होता है, और बड़ा होके वो एडल्ट बनता है, मैन बनता है, वुमेन बनती है, उसके बाद बिकम्स अ मैन, बिकम्स एन ओल्ड मैन, और वुमेन बिकम्स एन ओल्ड लेडी। फाइनली दे बिकम ओल्ड एंड डाई। फिर कुछ समय के बाद जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं लोग, उसके बाद वे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। हैव यू एवर सीन अ क्रिकेट बॉल और अ डॉल ग्रोइंग इन साइज? दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड रिमेन द सेम इन द शेप एंड साइज। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात हम कर रहे हैं ग्रो करने की, आप एक सिंपल सा क्रिकेट बॉल लीजिए, आप देखते होंगे उस बॉल को आप कितना भी दिन रखिए वो साइज में चेंज नहीं होगा, ना वो बढ़ेंगे और ना ही वो छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि वे नॉन लिविंग थिंग्स है, उनमें जान नहीं होती है। ठीक है, दिस टॉपिक वी ऑल्सो कंप्लीट एंड द लास्ट इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव स्पेसिफिक ट्रेट्स टू एनहेंस देयर रेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास एक विशेष लक्षण होते हैं अपने ट्रेट्स को इनहेंस करने के लिए, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस ओनली पोटैटो प्लांट। सबके अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, सारे ह्यूमन जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबके अपने अपने विशेष लक्षण होते हैं, विशेष टाइप के, जिनसे वे रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि आप सिंपल प्लांट लीजिए एक पोटैटो का, जो आलू का पौधा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आलू से ही, आलू के स्टेम से ही वो रिप्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के द्वारा। न्यू प्लांट्स में ऑल्सो प्रोड्यूस देम सीड, स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्टेम के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, रूट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा। सो बिग प्लांट्स गिव बर्थ टू न्यू प्लांट्स। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल, फिश, लिजार्ड्स एक्सेट्रा। बर्ड्स और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स हुए, क्रोकोडाइल हुए, फिश हुए, लिजार्ड्स हुए, ये क्या कर ले एग्स, ये एग्स देते हैं। बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स, और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, बेबीज निकलते हैं इनके। ह्यूमन बींग गिव बर्थ टू बेबीज, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये किसको जन्म देते हैं? बेबीज को। सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो बर्थ करते हैं अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, टाइगर। आप देखते होंगे काउ जो होती है, ये गाय जो होता है एक बछड़े को जन्म देता है, काउ जो सॉरी कैट जो होती है किटन को देती है, डॉग पपी को देता है, लॉयन कब को देता है, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फिल द पेज नंबर 10 एंड 11 ऑल दीज एक्सरसाइज इन योर बुक। सो होमवर्क, फिल द एक्सरसाइज ए बी सी डी इन योर बुक पेज नंबर 10 एंड 11। ओके क्लास थर्ड, यू हैव टू फिल द पेज नंबर 10 एंड 11 इन योर बुक। I have explained all the things. If you have any problem in any topic, so you can send me a message, okay? So I will again explain you. Okay? Thank you.